हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, आशीष यूनिवर्सिटी ने यूजी पीजी रेगुलर और प्राइवेट की जो एग्जाम डेट शीट थी, जो आपकी 20 मार्च से नहीं कल से स्टार्ट हो गए थे आपके एग्जाम, उसकी डेट शीट में कुछ यहाँ पे चेंजेस किए हैं, जो कि आपकी रिवाइज डेट शीट आपकी आ चुकी है, जो किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको वेबसाइट के नोटिफिकेशन सेक्शन में जाना है, जहाँ पे देखिए आपको 21 मार्च को रिवाइज एग्जाम शेड्यूल फॉर एनुअल मेन एग्जाम 2024 रेगुलर प्राइवेट कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें देखिए मेंशन किया गया है जो आपकी किसी यूनिवर्सिटी की आपकी जो 20 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे रेगुलर और प्राइवेट के, उसमें कुछ डेट शीट यहाँ पे चेंज की गई है, जिसमें देखिए मेंशन किया गया है आपको नोट में 16 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाले थे वहां तक आपकी कोई डेट में यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है। 16 अप्रैल के बाद जो आपकी डेट थी उनमें चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ओल्ड डेट शीट भी मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है, जिसमें देखिए 20 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे। अब हम अपनी डेट शीट देखते हैं न्यू वाली। इसमें देखिए 20, 21, 22, 27, 28 को आपके एग्जाम जो थे एज इट इज रहेंगे। साथ ही 30, 1, 2, 3, 4 और 5 के भी एग्जाम आपके सेम रहने वाले हैं, जो कि ओल्ड डेट शीट में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 को आपके डेट जो एग्जाम थे डेट पे वो एग्जाम सेम रहेंगे। साथ ही 6, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15 यहाँ पे देखते हैं हम अपनी वाली डेट में 6, 8, 9, 10, 12, 13 और 15 15 तक हमारे एग्जाम बिल्कुल जैसे थे वैसे ही डेट शीट हमारी रहेगी। 16 तारीख को देखिए जो एग्जाम थे वो भी हमारी डेट शीट सेम ही हमारी यहाँ पे रहेगी। अब 16 अप्रैल के बाद जो एग्जाम थे आपकी उसकी डेट शीट यहाँ पे चेंज हो गई है। देखिए 16 के बाद 18 को हमारा एग्जाम था 18 अप्रैल को, अब देखिए 16 के बाद सीधा हमारा 22 को एग्जाम है। अब हम चेक करते हैं जो 22 को एग्जाम था क्या वो सेम डे पे है हमारा। तो देखिए यहाँ पे 20 के बाद 22 को जो हमारे एग्जाम थे वो थे BA, 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 MCOM, MA, MA और यहाँ पे देखिए जो ओल्ड में थे वो BA, BSc, BCOM, MA, MA। तो यहाँ पे जो एग्जाम थे कुछ इसमें मिक्स कर दिए गए हैं 22 अप्रैल को, यानी जो 16 से बाद जो एग्जाम थे अप्रैल में वो आपके 22 के में यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं 22 अप्रैल को। तो आपको अपनी डेट शीट चेक करनी है, जो आपके एग्जाम 16 अप्रैल के बाद थे वो आपके चेंज कर दिए गए, यानी 16 अप्रैल के बाद जो एग्जाम थे वो कौन कौन से डेट को थे। एक तो आपके 18 अप्रैल को थे, 19 अप्रैल को थे और 20 को थे, वो डेट आपने चेंज कर दी गई है यहाँ पे आपकी, यानी तीन जो डेट थी एग्जाम की वो चेंज कर दी गई है यहाँ पे, जिसमें आपके 22 अप्रैल में कुछ एग्जाम कर दिए गए हैं, साथ ही 23 अप्रैल को कुछ एग्जाम यहाँ पे ऐड कर दिया गया है आपका, साथ ही 24 को एग्जाम कोई नहीं है आपका यहाँ पे, जबकि इसमें 24 को भी हमारे एग्जाम थे, 25 को एग्जाम थे, 26 अप्रैल को एग्जाम थे हमारी ओल्ड डेट शीट में। और जो न्यू डेट शीट में देखिए हमारी यहाँ पे 22 के बाद 23 अप्रैल को एग्जाम है, उसके बाद हमारा देखिए 29 अप्रैल को सीधा एग्जाम दिया गया है, यानी जो हमारे एग्जाम थे 24 अप्रैल के, 25 अप्रैल के और 26 अप्रैल के, साथ ही 27 अप्रैल के, वो भी हमारे यहाँ से हटा दिए गए हैं न्यू डेट शीट में। अब यहाँ पे जो 29 अप्रैल को जो हमारे एग्जाम थे टोटल 2, 2, 4, 2, 6, 7 एग्जाम थे न्यू एग्जाम में, और यहाँ पे देखिए 29 अप्रैल को जो एग्जाम थे सिर्फ 2 ही थे ओल्ड डेट शीट में, यानी जो आपके एग्जाम यहाँ पे गायब हुए हैं जो कि 23, 24, 25, 26, 27 के जो एग्जाम गायब हुए हैं हमारी न्यू डेट शीट में, वो अब हमारे 29 को, 30 अप्रैल को, 1 मई को, 2 मई को, 3 मई को, इन डेट शीट में आपके कराए जाएंगे। साथ ही देखिए डेट चेक कर लेते हैं हम, लास्ट डेट थी हमारी 14 मई जो कि ओल्ड डेट शीट के अंदर, और अब जो हमारी डेट शीट के अंदर न्यू डेट है वो देखिए 14 मई, 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई, 20 मई, 21 मई को हमारे एग्जाम शिफ्ट कर दिए गए हैं। यानी जो एग्जाम हो सकते हैं अभी मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, मैं इस सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम थे 16 के बाद जो एग्जाम थे वो आपके शिफ्ट कर दिए गए हैं। साथ ही जो 24 कौन सी डेट से देख लेते हैं यहाँ पे 22, 23 हाँ 16 के बाद 23, 22, 24 के बाद जो एग्जाम 24 अप्रैल के बाद जो एग्जाम है 28 अप्रैल तक वो भी आपके शिफ्ट कर दिए गए हैं, यानी या तो शिफ्ट कर दिए गए हैं बिल्कुल एंड में जो लास्ट डेट आपकी है उसमें आपके शिफ्ट कर दिए गए हैं, या फिर जो आपकी डेट नेक्स्ट डेट है उसमें आपको शिफ्ट कर देगा। यानी 16 अप्रैल से पहले पहले जो एग्जाम आपके जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे, 16 अप्रैल के बाद जो आपके एग्जाम है 22 अप्रैल तक वो आपके चेंज कर दिए गए हैं, उनकी डेट शीट उनका टाइम चेंज कर दिया गया है, वो आपको चेक करना है डेट शीट के अंदर। साथ ही 23 अप्रैल के बाद जो एग्जाम है आपके 24, 25, 26, 28 तक जो एग्जाम है वो भी आपके चेंज कर दिए गए हैं। चेंज किस लिए हुए हैं वो आपको सभी को पता है, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको अपनी न्यू डेट शीट चेक कर लेनी है जिसमें आपके एग्जाम शिफ्ट हुए हैं, कौन से एग्जाम शिफ्ट हुए हैं उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया। थैंक यू।